वेरी गुड मॉर्निंग एट क्लास बेटा, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो आज मैं आपको पेज नंबर 10 चेक योर कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ आज। मतलब हम लोग KVC करोड़पति खेलने वाले हैं, कौन बनेगा करोड़पति। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। आपको अगर कॉल करके पूछा जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर एंड विद गिव द नेम ऑफ दिस चैप्टर्स ऑथर, आपके आंसर सही होने चाहिए लियो टॉलस्टॉय। बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे आ जाते हैं, हु केम टू विजिट द ग्रेव, गांव में विजिट करने के लिए कौन आया। तो स्टोरी में हमने देखा है यंगर सिस्टर है, उसका हस्बैंड है जिसका नाम पाहोम है, तो मिलने कौन आया होगा, जब वो यंगर सिस्टर तो रहती है ना, यानी कि एल्डर सिस्टर। अब आंसर देख लेते हैं, यंगर सिस्टर, बी फार्मर, सी एल्डर सिस्टर, डी विलेजर। तो आपका आंसर पता है ना आपको, कौन सा हो गया आंसर, सी, फर्स्ट का आंसर सी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द यंगर सिस्टर हस्बैंड, मैंने आपको फिर बताया है जो स्टोरी है वो किसके थ्रू इधर उधर इर्द गिर्द घूम रही है, पाहुन के, और पाहुन कौन है, यंगर सिस्टर का हस्बैंड जो कि गांव में रहते हैं। व्हाट इज द नेम, पूछा यही है कि क्या नाम है ऑफ द यंगर सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर ने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, पोजीशन लगाया, यानी कि सिस्टर के हस्बैंड का, यंगर सिस्टर के हस्बैंड का क्या नाम है। फर्स्ट मतलब ए है पाहुन, बी जॉन, सी माइकल, बी नन ऑफ दीज। तो आपको पता है पाहुन की स्टोरी है, आंसर इज पाहुन, ए। थर्ड क्वेश्चन, हु डिसाइडेड टू गिव पाहुन हिज विश, पाहुन ने जब कहा था आई हैव नॉट इनफ लैंड, और मतलब उसकी इच्छा थी मेरे पास बहुत सारी जमीन हो, तो उसकी इच्छा मतलब किसने सुन लिया था, डेविल ने, डेविल ने ये सोच लिया था कि मैं इसको इतनी जमीन दूंगा कि ये परेशान हो जाए। तो हम लोग आंसर में देखते हैं, आंसर है फर्स्ट है आपका ए गॉड, बी डेविल, सी द चीफ ऑफ द वकील, डी चीफ। तो आंसर आपको पता चल गया कि डेविल ने ही उसको इनडायरेक्टली वे में उसकी विश पूरी की थी, किसकी, पाहुन की, कौन सी विश, लैंड उसकी भरपूर मात्रा में उसको भूमि देने। तो आपका आंसर हो गया बी। फोर्थ है आपका हाउ मच मनी डिड द लीडर्स ऑफर फॉर द लैंड, कितनी मनी को ऑफर किया था पाहुन के लिए कि कितने रुपए में उसको जमीन मिल जाएगी पूरे दिन उसको चलने की, 500 रूबल्स, 200 रूबल्स, 10,000 रूबल्स, 1,000 रूबल्स। तो आपने स्टोरी जब पढ़ी है कि 1,000 रूबल्स में वो सुबह चलेगा और शाम को उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा, तो स्टोरी आपको बहुत बार सुना भी दी है, आपकी रीडिंग भी हो गई है, तो आपको याद होना चाहिए 1,000 रूबल्स। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ मच लैंड डिड पाहुन ऑब्टेन, तो पाहुन ने कितनी एकड़ जमीन ऑब्टेन कर ली थी, पा ली थी, ए 125 एकड़, 125 एकड़, बी है आपका 175 एकड़, सी है आपका 150 एकर्स, डी है आपका 200 एकर्स। तो आपको पता है 125 एकड़ जमीन उसने ऑब्टेन कर ली थी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए। ओके, आंसर आपका हो जाएगा ए। सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स नंबर का, द चीफ ऑफ द वकील्स वाज एक्चुअली अ, अब आपको जो पता है कि डेविल ने ही उसकी विश पूरी की थी, तो एक्चुअल में जो चीफ ऑफ द बख्शीस थे उनका जो मुखिया था वो कौन था, तो डेविल था, स्पिरिट मतलब आत्मा या गॉड भगवान या नन ऑफ दीज, तो डेविल ही खुद था उसका चीफ, तभी तो उसको परेशान किया, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए डेविल। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, तो अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो, स्टोरी में समझ में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप पूछ लीजिएगा। फर्स्ट का आपको मतलब दो, अगर स्टोरी आपको ध्यान रखेंगे, यंगर सिस्टर है मेन, फिर इसका हस्बैंड है पाहुन, फिर एल्डर सिस्टर मिलने आई थी, ओके, और बख्शी जिससे मतलब एक लेडी है जिससे उसने जमीन ली 40 एकड़ अलग से, फिर इसको बेचने के बाद वो 125 एकड़ उसने कहाँ से ली, चीफ ऑफ द बख्शी से, ओके, और एक रुपये 1,000 रूबल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। तब तक ये वाले बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी फिलअप के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।